कांग्रेस ने पीएम की मन की बात पर बिहार चुनाव तक रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से मांग की है। चुनाव आयोग से मांगा वक्त और साथ ही ये कहा है कि पीएम के मन की बात पर रोक लगाई जाए जब तक बिहार के चुनाव नहीं होते हैं। आचार संहिता का उल्लंघन मानती है कांग्रेस। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या जानकारी? कांग्रेस के आला सूत्रों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि मन की बात का जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है जो कि रेडियो में आता है, ऐसे में जब तक कि बिहार के चुनाव चल रहे हैं और वहां चुनाव आचार संहिता लग चुकी है उस वक्त में इस कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए क्योंकि ये एक आचार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। और इस सिलसिले में कल ही चुनाव आयोग से कांग्रेस ने समय मांगा हुआ है और इस मामले में यही मांग करेंगे कि रोक लगनी चाहिए, चुनाव आयोग खुद रोक लगाने की काम करे और जब तक कि बिहार के चुनाव चल रहे हैं। जी, और अगर ऐसा आदेश होता है तो रविवार को जो पीएम की मन की बात होनी है उस पर रोक लग जाएगी। अगर देखिए, चुनाव आयोग तय करेगा कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इस चुनाव के दौरान जब चुनाव आचार संहिता लगी है इस दौरान अगर प्रधानमंत्री मन की बात सरकारी चैनल या रेडियो पर करते हैं तो वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो अब इस पर फैसला, अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है। अब पहले चुनाव आयोग से समय मांगा है कांग्रेस ने, चुनाव आयोग कब वक्त देता है और फिर जाकर कांग्रेस शिकायत करती है और क्या फैसला चुनाव आयोग लेता है ये चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा। जी कुमार विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पीएम के मन की बात पर रोक लगाने की मांग कांग्रेस करेगी। चुनाव आयोग से वक्त मांगा है और अगर चुनाव आयोग अंतिम फैसले में ये मानती है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है तब रविवार को जो मन की बात प्रधानमंत्री करने वाले थे रेडियो पर और तमाम चैनल्स पर डीडी के, उन पर रोक लगा दी जाएगी।